बस मैं वरम वैसे हो उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफ़ी से होंगे इन मेरी तरफ टाइम हुआ है सुबह के सात बज के दो मिनट और विदिन फातमा एज़ुल माशा तबाराकाल फैलोर द द्रूप अलहमद मी टीवर लाइफ यू और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन शाह त है वन इमोशन्स तो um, अगर तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे तो आई वुड डेफिनेटली टुडे थोड़ा सा मैं अपने पेरेंट डिफरेंट करना चाहूँगी थोड़ा सा मैं एक्चुअली आप लोगों की से बात करना चाहूँगी क्योंकि उसकी वजह यह है कि आफ्टर डूइंग पेरेंटिंग पेरेंट कोचिंग पेरेंट क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यूँ महसूस होता है कि uh, हम सबकी कॉमन थीम प्रॉब्लम्स होती हैं स्पेशली वेन इट कम्स टू इमोशनल एंड इमोशनल चार्ज एंड टेकिंग और अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने किस तरह से पेरेंटिंग uh, करनी है अच्छा मजी की बात यह है कि मुझे uh, लाइफ पर कोई भी नहीं देखा सुन लाजा आई डोंवन ज्वाइंटेड पर आई वो कंटिन्यू इन शो अगर तो आप uh, मुझे क्वेश्चन या मुझे रिस्पॉन्स uh, देंगे डेफिनेटली इनशालाई वु वुड लव टू इंगेज विद um, आज जो हमारा टॉपिक है वो मज़े का है वो है वन इमोशन् फातमा ने उसको बड़ा बहुत uh, मज़े का लिखा है और एज अ पेरेंट में मेरा मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि हमारे इमोशंस हमें कब राइड नहीं कर रहे होते हैं हमारे इमोशंस कब जो है, वो हमें नहीं एहसास दिला रहे होते या हम कब किस वक्त कोई भी मदर जो है वो ओवरवल फील नहीं कर रही होती इट्स हैपनिंग अराउंड द क्लॉक इवन सोते हुए भी आई थिंक हमारा जो इमोशनल चार्ज है इट्स कंटिन्यूइंग हम महसूस कर रहे हैं कुछ ना कुछ और हम सोच रहे होते हैं कि अच्छा सुबह होगी तो हम ये करेंगे अच्छा सुबह होगी तो वो हम ये करेंगे काश उसने ये कर लिया होता काश उसने वो कर लिया होता ये सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं है ये हमारे स्पाउसेस के साथ भी है हमारे दोस्तों अहबाब हमारे अहलोयाल सब के साथ होता है कि हम कॉन्सटेंटली फ़िक्र में होते हैं असलकुम शाहिया तो जब हम कॉन्सटेंटली किसी फ़िक्र में होते हैं तो वो जैसे कहते हैं ना कि हम वो गम बन जाना मैं सवाल ये करना चाहती हूँ तमाम व्यूअर्स से जो देख रहे होंगे इंशाल्लाह या अभी देख रहे हैं कि हम और ग़म क्या है हमारा मतलब आई वुड लाइक फॉर अस टू इंगेज हियर इन द कॉनवर्जेसन इफ़ वी कैन एक्चुअली कि एज अ पेरेंट आपका सबसे बड़ा हम और ग़म क्या है चलो लेट्स लेट्स नेम थ्री ऑफ देम लेट्स जस्ट नेम थ्री थ्री ऑफ द थिंग्स के जो हमें लगता है ना कि जो हमारी पेरेंटिंग में या हमारे एवरीडे हमारे एवरीडे रेगुलर उसमें हमें सबसे ज़्यादा तंग करती हैं बातें जब बच्चे ज़्यादा छोटे होते हैं तो बच्चे मतलब कि अच्छे से खा लें बच्चे अच्छे से पी लें जब थोड़े से बड़े होते हैं तो बच्चे जो हैं उनकी हम उनको हम कुरान सिखा लें उनको हम दीन के बारे में सिखा लें और थोड़े से जब और बड़े होते हैं तो खलाक अच्छे हों उनके स्कूल में अच्छे नंबर आए उसके अलावा आप क्या चाहते हैं उसके अलावा आपकी क्या सोच है मैं वो जानना चाहती हूँ तो हम शुरू ही ऐसे करते हैं कि एज एज ह्यूमन बींग्स वी वी ऑल आर इंटू इमोशंस राइट एज ह्यूमन बींग्स हम लोग सब चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए हमारी बात को फौकियत दी जाए हमारी हमारी um, क्या कहते हैं सोच को समझा जाए हमें हमारा साथ दिया जाए um, साथ देना ही कह सकते हैं ना उसको कि अगर कोई आपके साथ इमोशनली uh, कनेक्ट हो रहा है किसी भी लेवल पर हमें हमारे दोस्त क्यों इतने अच्छे लगते हैं क्योंकि Um, कोई प्रिटेंस नहीं होता जिनके साथ हम दोस्ती करते हैं हम एक तो हम उनको खुश रखना चाहते हैं एक उनको भी पता होता है कि वो हमें खुश रखना चाहते हैं जब टू वे स्ट्रीट दोस्ती होती है तो पेरेंट्स uh, के साथ कैसा है हम अपनी सोच के मुताबिक अपने बच्चों को खुश रखना चाहते हैं और हमारे बच्चे चूंकि डे वन से हमारी गोदों में पले बड़े हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि पेरेंट्स ने ही हमें खुश रखना है अच्छा ये तो वो वाले बच्चे हो गए जिनको सेफ़ हाफ़ी माइंडफुल एनवायरनमेंट पर जिनको पेरेंट्स इस तरह के मिले जो कि केयरिंग हैं जो कि लिसनिंग हैं जो कि इस बात का ख्याल रखते हैं कि जी आ, बच्चे जो हैं वो आ, हर लिहाज से महसूस करें कि उन उनसे मोहब्बत की जा रही है कि वो हमारा सेंटर ऑफ अटेंशन है लेकिन फिर बाज़ हम पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इमोशनली ख़ुद एमटी होते हैं जो अपने बच्चों को वो लाड प्यार नहीं हम उनकी ज़रूरियाँ ज़रूर पूरी करते हैं हम उनको खिलाते हैं पिलाते हैं पहनाते हैं सब कुछ आ, अच्छी एजुकेशन भी देने की कोशिश करते हैं बट इमोशनली एम होते हैं ऐसा क्यों होता है या इसकी क्या वजह है अब वजुवाह बहुत सारी हो सकती हैं एक हमारी अपनी इमोशनल हेरिटेजरी हिस्ट्री जो हो सकती है वो इस तरह की हो सकती है मतलब कि हमारे साथ जिस तरह की पेरेंटिंग हुई थी हम बेसिकली उसको ही इंटेंशनली तो नहीं हम रिपीट करते लेकिन अन इंटेंशनली हम उसको रिपीट करेंगे क्योंकि अगर इंसान को एक ही तरीका आता है तो वो उसी को रिपीट करेगा राइट ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमने सीखा कुछ और हो और हम कर कुछ और रहे हों कि हमें पता है किस चीज़ को तो इमोशंस जो होते हैं वो बेसिकली हमारे जहन पे हमारे मिजाज में हमारे एक्शंस में इम्प्रिंट हो चुके होते हैं सारी बात कहने का मकसद ये है कि इससे पहले कि मैं ये बात करूं कि हमें बच्चों के साथ या बच्चों को हमारे साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए मैं पहले ये फाउंडेशन रखना चाहती हूँ कि एज़ पेरेंट्स एज ह्यूमन बींग्स हमारी अपनी इमोशनल कैपेसिटीज़ क्या हैं हम खुद इमोशनली कितने कैपेबल हैं क्योंकि कहानी यहाँ से शुरू नहीं हो सकती कि दूसरा कैरेक्टर कर क्या रहा है जबकि आपकी कहानी का मेन कैरेक्टर आप हो हमारी कहानियों के मेन कैरेक्टर जब हम किसी और को बना देते हैं तो कहानी को कंप्लीट करना लिखना बनाना संवारना बड़ा मुश्किल हो जाता है राइट लेकिन जब हम खुद एक मेन कैरेक्टर रहते हैं जब हम अपनी शख्सियत को ख़त्म नहीं करते जब हम ये नहीं कहते कि मैंने तुम्हारे पीछे अपनी ज़ात को फना कर दिया अपने अपने बच्चों के पीछे या अपने स्पाउस के पीछे या किसी भी मटीरियल गेन के पीछे तो थिंग्स बिकम मच मोर इजियर अलहमद हम मुसलमान हैं हमारा दीन बहुत आसान है हमें सबसे ज़्यादा आसानी देता है जब वो ये कहता है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है राइट अल्लाह सुबहाना वाली रजाक है अल्लाह सुबहाना रहीम है करीम है दिलों के हाल बदलने वाला रब है तो ये जब सारी बातें हैं तो फिर हमारी दाँतों की नींदें क्यों हराम हुई हुई है? इसकी हो हैं इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि हम अपना लीडरशिप रोल आ, समझते हैं कि जी हम पेरेंट्स हैं हमने तरबियत करनी है तो फिर मेरा अगला सवाल ये आता है कि क्या हम वाकई में तरबियत कर रहे हैं या फिर हम वाकई में सोशल और इमोशनल अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं ये सवाल ज़रूरी हैं क्योंकि अगर हम ये सवाल ख़ुद से नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं मेरा एक आ, आ, हमेशा मैं कहती हूँ फाइंड द वाई इन द आई कि आप कोई भी काम अगर करने लगे हो तो उसकी वजह क्या है उसका रूट कॉज क्या है दीन कहता है कि हर काम से पहले उसका इंटेंशन रखो तो जब हम अपनी फैमिली बढ़ाने लगते हैं एज 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 पेरेंट्स जब हम माँ या बाप बनते हैं तो हमारा इंटेंशन क्या है उस चीज़ के पीछे हम क्यों पेरेंट्स बन रहे हैं हाउ एक्चुअली थिंक अबाउट इट हाउ ऑफ अस एक्चुअली के हम हम क्यों चाहते हैं कि जी हमारी औलाद हो उसमें हमारा गोल क्या है हमारा विजन क्या है जब आपने उस चीज़ को सेटल कर लिया जब आपको उस चीज़ का पता चल गया और अगर आप ये सुन रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको एक्चुअली एज एज़ अ प्रैक्टिस करें तो मैं हंड्रेड परसेंट आपको ये कहूँगी कि लिखें एज अ पेरेंट मेरी गोल्स क्या हैं माई पेरेंट गोल्स ये मत लिखिएगा कि एज़ अ पेरेंट आप अपने बच्चों से चाहते क्या हैं मैं ये नहीं बात कर रही मैं ये बात कर रही हूँ कि इरम एज अ पेरेंट उसके पेरेंटिंग गोल्स क्या हैं मेरा पेरेंटिंग गोल ये है कि मैं अच्छी पेरेंट बनूँ ओकेरम okay, ये तो बहुत ही बहुत ही बेसिक सा गोल है अच्छी पेरेंट आप डिस्क्राइब करो एरम आप अच्छी पेरेंट कैसे हो um, मैं बच्चों के साथ इमोशनली प्रेजेंट हूँ मैं बच्चों के साथ फिजिकली प्रेजेंट हूँ मैं बच्चों की इमोशनल फिजिकल स्परिचुअल नीड्स पूरी कर रही हूँ नीड्स पूरी कर रही हूँ का क्या मतलब है मतलब ये है कि मैं मतलब कि बच्चों के साथ अब, uh, uh, प्यार मोहब्बत सलूक तरीके से रहना चाहती हूँ और मैं बच्चों के साथ साथ तरबियत करी तो इरम क्या यह आपका गोल है पेरेंटिंग में इसलिए आप पेरेंट बने थे नहीं मैं इसलिए भी पेरेंट बनी थी कि मैं आ, अपना सदक़ा जारिया अपने लिए ज़िंदगी में छोड़ के जाऊँ मैं एक पीछे एक लेगेसी छोड़ के जाऊँ ठीक है तो ये जो तो कुछ मतलब ये कुछ बातें हो गई जो इंसान सोचता है कि मैं पेरेंट हूँ क्यों अच्छा हमारे माशरे में एक बड़ा मतलब कि इसको बड़ा लाइट सा लिया जाता है कि पेरेंट हैं ये तो करना ही था ये तो करना ही का ही काम था ये तो होना ही था अब जाहिर सी बात है जिन लोगों को फर्टिलिटी इश्यूज नहीं होते वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जिनके सेहतमंद बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कभी भी पेरेंट्स नहीं बन पाते या ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो पेरेंट्स बनते हैं और बार बार बनते हैं लेकिन हर दफ़ा उनको क्या कहते हैं लॉस देखना पड़ता है या बच्चों या इस तरह के अल्लाह ने टेस्ट सता फरमाता है यहाँ जहाँ पर उनको लाइफ लॉन्ग बच्चे की हर तरह की सपोर्ट बनना पड़ता है स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं राइट तो अलहमद लामद फॉर एवरी सिचुएशन अल्लाह सब बेहतर जानते हैं कि हर बंदे की क्या सिचुएशन है चूँकि मुझे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं नज़र आते सो लिहाजा आई कैन नॉट आंसर योर क्वेश्चन मैं एक्चुअली चाहती थी कि मैं कुछ क्वेश्चन पुरफॉवर्ड करूँ ताकि जो है ना इंगेजमेंट हो सके आपके साथ बिकॉज जनरिकली um, तो हम हमेशा बता सकते हैं कि एज पेरेंट्स ये ये करने के काम है और मैं कई दफ़ा अपने टॉक्स में अपनी कॉन्वर्जेस में ये बातें करती भी हूँ कि एज़ अ पेरेंट आपके करने का काम ये है कि आप जी प्रेजेंट हो एज अ पेरेंट आपके करने का काम ये है पर और पेरेंट्स की हमेशा बात ये होती है कि मेरा बच्चा ये 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 करता है और उस टाइम में मैं क्या करूँ या मेरे बच्चे की ये आते हैं तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है इज़ अ टू वे कॉन्वर्जेशन कोई भी चीज़ जो है वो रिजॉल्व नहीं हो सकती अब मैं शुरू करती हूँ बिल्कुल ही छोटे बच्चों के साथ जो कि अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो हम सब ये जानते हैं और मेरे ख्याल से इतने छोटे बच्चों से शायद मोहब्बत करना प्यार करना आसान भी होता है जो गोद में होते हैं जो रोते हैं चिड़चिड़े होते हैं लेकिन ये है कि आप उनको संभाल लेते हैं क्योंकि आपको भी पता है कि वो टोटली हम पे डिपेंडेंट है वो टोटली हम पे डिपेंडेंट है लेकिन बच्चे की इमोशनल नशो नमा उसी एज से शुरू हो जाती हैं अगर तो वो आपका पहला बच्चा है और आप और आपका पहला एक्सपीरियंस है तो हाँ एज अ माम एज अ वूमेन आई वुड से कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है टू बी द मदर ऑफ़ अ फर्स्ट चाइल्ड इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट क्योंकि हमें फिज़िकल तो सारी बातें पता है हम उनके छोटे छोटे कपड़े भी खरीद लेते हैं बॉटल फीडर टाइपर्स उनको कौन से बेड में सुलाना है उनको किस तरह से साथ सुलाना है लगाना है वो सारा कुछ हम सीख लेते हैं वो सारा कुछ हमें पता है लेकिन एक बिल्कुल छोटे से बच्चे की इमोशनल नीड्स कैसे पूरी होनी चाहिए अनकंडीशनल पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए आम, उसके साथ जब जब हमें समझ ही ना आ रही हो कि इंतहाई रोते हुए बच्चे को रात में एग्जॉशन में किस तरह से मतलब के कामली अपने आप को संभालना चाहिए ये चीज़ें हम नहीं सीखते हैं ये हम कहते हैं सर पे पड़ेगी तो पता चल ही जाएगा सर पे पड़ेगी तो पता चल ही जाएगा में दो चीज़ें होती हैं एक ये होता है कि हम इमोशनली इक्विप्ड नहीं होते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा पार्टनर हमारा साथ दे या घर में कोई जो बड़े हैं या छोटे हैं वो हमारा साथ दें रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस क्यों होती हैं भाई हमारी एक्सपेक्टेशं इसलिए होती हैं जी क्योंकि मुझसे अकेले नहीं संभाला जाता अच्छा ये भी एक फियर होता है कि अगर मैं ये कह दूँगी कि मुझसे अकेले नहीं संभाला जाता तो क्या मुझे जज किया जाएगा कि ओ माय गॉड ये माँ बन गई है लेकिन ये कह रही कि इससे बच्चे नहीं है कह रहे संभाले जाते ये किस किस्म की औरत है ये किस किस्म के पेरेंट है जजमेंट एंड द फियर ऑफ जजमेंट जो है वो हमें मजबूर कर देता है इस बात पर कि हम किसी से हेल्प ना मांगें और ख़ुद भी अपनी हेल्प ना करें खुद हम अपनी हेल्प कैसे कर सकते हो जब आप इमोशनली अवेलेबल और इक्विप्ड ही नहीं हो अपनी हेल्प करने के मैंने बार बारह हाँ सुना है ये माँ से कि मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ मैंने तो कोई साथ नहीं देता मेरे पास तो इतने काम हैं करने के लिए मैं कैसे कर सकती हूँ मैं कर ही नहीं सकती हूँ मैं अपनी सल्फ डेवलपमेंट नहीं कर सकती हूं? मैं कोई चीज़ मतलब अच्छा मजे की बात है हम रीड कर भी लेते हैं लेकिन फिर हम उसको याद नहीं रखते क्योंकि इन्फॉर्मेशन फ़्लो इन फ्लक्स इतना ज़्यादा है इस कदर शदीद है कि आ, कुछ भी रिटेन नहीं आप कर सकते बात इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ आप में से जो गौर से सुन रहे होंगे वो थोड़ी देर तक के लिए बात शायद याद भी रख लेंगे उसके बाद फिर इतनी सारी चीज़ें सुनेंगे और देखेंगे कि ये बात भूल जाएगी राइट right? तो इसी तरीके से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन एंड गेनिंग प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिसिंग दैट प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत फ़र्क है बिल्डिंग ए हैबिट आप वॉक क्यों करना चाहते हैं या आप इमोशनली अपने बच्चे के लिए प्रेजेंट कैसे होना चाहते हैं ये चार टिप्स मैं आपको दे देती हूँ लेकिन इन चार टिप्स को प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम चाहिए आपको वीक्स चाहिए आपको इनको रिटेन करने के लिए याद रखने के लिए भी कि बोला क्या था उसके लिए भी आपको एक एक फोकस्ड uh, मेमोरी चाहिए कहने का मकसद ये है कि हम और हमारे बच्चे कंटिन्यूली बम्बॉडेड हैं इंफॉर्मेशन से चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो दैट्स नॉट दैट्स नॉट इवन पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर दैट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि वी एज पेरेंट्स आर इक्वली इक्वली नाट प्रजेंट जैसे कि हमारे बच्चे नहीं प्रजेंट ना हमारे साथ अगर हमें लगता है कि हमारी बात नहीं सुन रहे हैं इमोशनली हमारी हमें देख नहीं रहे हमें समझ नहीं रहे हमारी बात को मान नहीं रहे पे, uh, मैं कहती हूँ कि एज पेरेंट्स हम भी इमोशनलीवली अनप्रजेंट हैं उसकी वजह यह है कि हमें हमने अपने आप को स्ट्रेस मोड में रखा हुआ है कंटिन्यूली कंटिन्यूली हम स्ट्रेस मोड में हैं हम चाराँच छः काम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और चार पाँच छः कामों की हमारी प्रायोरिटीज़ ही सेट नहीं हैं और जैसे एक मशीन होती है कि खाना बनाना है फीट करना है कपड़े धोने हैं और मतलब एक 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 सर्कल में है और क्या ये बुरी बात है नहीं मेरा नहीं ख्याल कि ये बुरी बात है लेकिन उसके साथ जब हम उस प्रैक्टिस के साथ जब हम नेगेटिव इमोशन अटैच कर लेते हैं जब हम एक पैटर्न ऑफ सल्कीनेस या नेगेटिविटी एक भारीपन महसूस करते हैं उस चीज़ में एक रूटीन में जब हम एक भारीपन महसूस करते हैं और उसकी इफ़ेक्ट्स अगर हम देखें बाहर निकल के अपनी अपनी रेगुलर बारी स्पेस से बाहर निकल के अगर हम थॉट प्रोसेस अपना फोकस करें और देखें कि हम कर क्या रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि हम आ, बहुत उकताई हुई ख़ातन हो जाती हैं या बहुत इंतहाई आ, विक्टिमाइज किस्म की माएँ हो जाती हैं कि ना मेरी कोई सुनता है ना मेरी कोई समझता है ना मुझसे कोई सही से बात करता है ना हर वक्त का चीखना चिल्लाना है मतलब मेरी लाइफ में किसी किस्म का uh, सुकून नहीं है ओके okay. काफ़ी काफ़ी हो गया क्या अब चूंकि मुझे मैसेजेस नज़र नहीं आते हैं सो आई नॉट से बेसिकली बेस ये कर रही थी कि अपने आप से शुरू करते हैं अपनी जान से शुरू करते हैं एज अ पेरेंट हम अपनी अवेलेबिलिटी देखते हैं कि हम कितने इमोशनली अवेलेबल हैं और एक्चुअली हम नहीं हैं मैं मैं हंड्रेड परसेंट कह सकती हूँ कि हम इमोशनली एज वुमेन आर डिप्लीटेड मतलब टोटली हमारा जो इमोशनल टैंक है ना वो ज़ीरो है ज़ीरो है और उसकी आधी वजह हम खुद हैं कैसे बात करते हैं इस बारे में सबसे पहले तो ये कि एनालाइज द वे कि आप दूसरे से बात किस तरह से कर रहे हो हमारा बात करने से पहले ही हम अटैक मोड में तो नहीं चले गए बात करने से पहले ही हमने नेगेटिव तो नहीं सोचना शुरू कर दिया क्योंकि हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो जाती है ना एक प्रैक्टिस हो जाती है अच्छा मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि हालांकि जेनेटिकली 50 परसेंट जो होता है ना हम या ऑप्टिमिस्ट होते हैं या पैसमिस्ट होते हैं जेनेटिकली मतलब हमारे जीन्स में होता है कि या हम आ, अच्छी चीज़ सोचने पे मायल होते हैं या फिर हम बुरे इफेक्ट सोचने पे मायल होते हैं लेकिन जो बाकी का फिफ्टी परसेंट है ना वो हमारी अपनी काविश और कोशिश और जद्दोजहद होती है कि हम अपने आप को बनाते हैं किस तरह से हैं ऑफ द स्टेज अगर आपके बच्चे बिल्कुल छोटे हैं तो आपके पास अभी टाइम है कि आप अपनी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज इमोशनल लैंग्वेज को पॉजिटिव करो अगर आप ऑलरेडी पॉजिटिव हो लेकिन इमोशनली डिप्लीटेड हो तो आप इस पर एज अ होमवर्क काम कर सकते हो कि रेगुलरली अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आओ अगर आपके बच्चे मिड एज के मतलब कि मिडल स्कूल वाले हो गए हुए हैं यानी कि प्योरिटी और एडलसेंस में जा रहे हैं जहाँ पे वो 10 से लेके तो 15, 16, 17 साल तक की एज के हैं तो फिर आपका इमोशनल टैंक, आई गेस ऑलरेडी या तो ज़ीरो है या ऑलरेडी वन टू हो जाता है क्योंकि जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो वो हेल्पफुल भी होते हैं आम, बात भी समझ सकते हैं कम्युनिकेशन हमारी बेहतर हो सकती है तो आई गेस अगेन आप अपने आप को देखो नोट करो कि आप बात कैसे करते हो उनके साथ क्या आप हर बात गुस्से से करते हो क्या आप हर बात आम, इस एक्सपेक्टेशन के साथ करते हो कि अगला ही गलत होगा या इस एक्सपेक्टेशन के साथ करते हो कि आपकी बात सुनी नहीं जाएगी माओं की वैसे दो एक्सपेक्टेशन होती हैं जब वो बड़े बच्चों से बात कर रही होती हैं um, मुझे पता है इससे मेरी बात सुनी नहीं इसलिए मैं पहले से ही चीख चला के बोलू या मुझे पता है कि uh, क्या कहते हैं ये सुन लेगी करेगी नहीं राइट right? तो उसमें फिर हम नेगेटिव तंज और मजा तंज में बात करते हैं तो क्या हमारा बात पहले ही जो हम हमारे मुंह से जो पहला जो पहला इंटरेक्शन है जुमला नहीं कहूँगी जो पहला इंटरेक्शन है क्या वो एक प्री कंसीव्ड नोशन है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से जितने भी मैंने रिसर्च की है किताबें पढ़ी हैं मैंने एक चीज़ जो हर हर साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट काउंसलर कोच ने लिखी है और बोली है और बार बार बोली है वो ये बोली है कि जब आप पहले से ही ज्यूम कर लेते हो कोई स्टोरी जैसे कि जैसे कि आप पहले से ही ये तहैया कर लेते हो अनकॉन्शियसली ये तहैया कर लेते हो कि ये कॉन्वर्जेशन जो है ये कहीं पर जाएगी नहीं या इसका रिजल्ट जो है ये खराब ही होगा या मुझे पता है उसका जवाब क्या होगा या मुझे पता है कि इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है लेकिन चूंकि आपकी नीड है इसलिए आप वो बात करोगे या फिर आप नहीं करोगे उसका गुस्सा कहीं और निकाल दोगे तो कॉन्वर्जेशनस कभी भी नहीं होती वो इमोशनल कनेक्शंस कभी पैदा ही नहीं हो पाते हैं वो इमोशनल कनेक्शन कभी पैदा ही नहीं हो पाते हैं मेरा सवाल सबसे सब ज़रूरी सवाल ये है कि हमें कैसे पता कि जो हमने सोचा है वही होगा हमें कैसे पता कि जो हमने सोचा है और गलत मनफी जो हमने सोच रखी है वो वैसी ही होगी वही काम होने वाला है अच्छा तो हो ही नहीं सकता किसने हमें ये कहा है कैसे हमें ये बात पता है हमें ये बात ऐसे पता है क्योंकि हमने अपने कुछ तजर्बों को पत्थर पे लकीर बांध लिया हमने अपने कुछ इमोशंस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया हुआ है किसी के अगेंस्ट या किसी के लिए कि हम उससे बियॉन्ड देख ही नहीं सकते रिपेयर हमें नज़र नहीं आता तो इसमें कसूर किसका है जिसने ये इमोशन अपने अंदर बिठा लिया हुआ है जिसने ये प्री कन्सीव नोशन अपने अंदर बिठा लिया हुआ है यानी कि मैंने ये जिसके साथ मैं बात कर रही हूँ चाहे वो मेरा स्पाउस है चाहे वो मेरी औलाद है वो हर स्टोरी को ऐसे शुरू करें जैसे कि वो पहली दफ़ा की स्टोरी है यानी कि हर कानवर्जेसन को ऐसे शुरू करें कि जैसे वो पहली दफ़ा की कॉन्वर्जेसन है जैसे कि पहले नहीं हुआ हुआ वो उस प्री कन्सीव नोशन को अपने जहन से इरेज करें बिकॉज उसके अलावा सरवाइव करने का इमोशनली थ्राइव करने का एज अ मदर हमारे पास और कोई तरीका नहीं है जब हम झुंझुलाए हुए थके हुए लड़ते हुए चिखते चलाते हुए एक ही बात जो रूटीन की बात है जूते बाहर उतार कर आओ कपड़े सही जगह पे रखो खेल लिए है तो हाथ धो लो हाथ धो के खाना खा लो चुबाओ मुंह में बाइट मत रखो इसको फिनिश करो अब ये ऐसे जुमले हैं जो कि इतने रेपिटेटिव मोड पे होते हैं छोटे बच्चों के साथ स्पेशली हम उनको बोलते कैसे हैं हम उनको कहते कैसे हैं एक 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 हमारा होता है नो नो डोंट डू दिस नो डोंट डू दैट नो हमारा नो no कैसा है नो no की बजाय क्या हम कोई और जुमला इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं फिर हम जैसा कि मैंने कहा कि अपने इमोशनल स्किल्स को हमें डेवलप करने की ज़रूरत है उसके अलावा क्या ज़रूरत है उसके अलावा ये ज़रूरत है कि चॉइसेस वी मेक टू रिस्पॉन्ड हम रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारी चॉइसेस क्या हैं टर्निंग टूवर्ड्स नंबर एक चॉइस है कि हम अगले की बात को ध्यान से सुने चाहे हमारे हमारे स्टाफ हैं चाहे हमारे बच्चे हैं चाहे हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं अगले की बात को फ़ोकियत अहमियत देने में कुछ नहीं चला जाता इनफैक्ट वो होल कॉन्वर्जेसन जो है वो ट्रिपल टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बेहतर हो जाती हैं क्या मतलब है इस बात का इस बात का मतलब ये है कि अगर हम ये जो माइंड जो होती है ना वो रश मोड में होती हैं दो ही मोड होते हैं हमारे एक हमारा फुल स्टॉप मोड होता है जब हम सो रही होती हैं बस वही हमारा फुल स्टॉप मूड है बल्कि उसमें भी हमारा दिमाग चल रहा होता है ये, और जब हम दिन में जाग रही हैं तो हम इतनी स्पीड से इतनी तेजी से चीज़ें कर रही होती हैं कि इन द प्रेजेंट मोमेंट हमें रहना नहीं आता इन द प्रेजेंट मोमेंट हमें इंजॉय करना नहीं आता इन द प्रेजेंट मोमेंट हमें सही से जवाब देना भूल गया हुआ है तो फॉर एग्जाम्पल कि हमारे बेटे ने या हमारी बेटी ने um, कोई फ़नी बात कही अब आप काट रहे हो सब्ज़ी काट रहे हो या कुछ भी किचन में काम कर रहे हो और आपको पता है कि जी इतने बजे खाना टेबल पर होना चाहिए जाहिर सी बात एक प्रेशर है कि इतने बजे ही खाना टेबल पर होना चाहिए अब कुछ लोगों के हालात और वाक़त ऐसे हैं कि ये उनकी नेसेसिटी है कुछ लोगों ने अपनी आप को ये वाले जान डाल लिया हुआ है कि इतने बजे खाना टेबल पर होना चाहिए और कुछ लोग जो हैं वो वैसे ही परेशान रहते हैं क्योंकि उन्होंने आदत बना ली हुई है परेशान रहने की अब आपकी कौन सी कैटेगरी है ये आप बेहतर जानते हैं ठीक है सिचुएशन ये है बच्चा आया बच्चे ने कोई बात करने की कोशिश की अगर वो बच्चा चार साल दो साल से लेकर छः साल या सात साल या इवन आठ साल की एज का है तो वो बच्चा या बच्ची तो उसकी बात जो होगी ना वो बड़ी कोहेरेंट नहीं होगी कोहेरेंट मतलब बड़ी रवानगी से फटाफट वो बात नहीं कर सके जितनी तेज़ी से आपके हाथ और आपका दिमाग चल रहा है उतनी तेज़ी से उसकी विकैबलरी नहीं है तो एज अ पेरेंट के आप में या मुझ में पेशेंस है कि हम उस अनकोहेरेंट मतलब कि जो बड़ी टूटी टूटी फूटे फु, जुमलों में जो बात है उसको समझ सकते हैं उसको रिस्पोंड कर सकते हैं यूजुअली हमने दिमाग में ये सोचा होता है कि अगर ये छोटा बच्चा मेरे पास आ रहा है कोई बात करने के लिए तो या इसकी कोई डिमांड है या इसकी कोई ख्वाहिश है और अगर है भी तो इसमें क्या गलत है एज अ पेरेंट इट्स माई जॉब ये तो मेरी ट्वेंटी फोर सेवन ड्यूटी है राइट right? उसको प्रोवाइड करना जो भी उसकी डिमांड है जो भी उसकी ख्वाहिश है ना जायज़ हो तो उस वक्त में उसको मतलब सेटिसफाई करना क्यों क्यों ज़रूरी है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक इमोशनल कनेक्शन बन रहा है क्योंकि आगे उसकी उसकी इमोशनल हेरिटेज बन रही है कि जब मैं बात करता या करती थी तो क्या मुझे प्रेजेंटली मतलब मुझे उस मोमेंट में मेरा ध्यान या मेरी बात सुनी जाती थी या समझी जाती थी उससे उस बच्चे की सेल्फ स्टीम उस बच्चे का सेल्फ um, uh, क्या कहते हैं इमोशनल बैंक बन रहा है अच्छा एक तो ये चीज़ हो गई। वापस इस बात पे आते हैं तो आप अब आप आपके रिएक्शंस क्या हैं आपका रिएक्शन झिझला क्या है कि हाँ हाँ कर लो कर लो आपका रिएक्शन ये है कि आ, मैं अभी फ़ारक नहीं हूँ मैं अभी नहीं कर सकती हूँ और जो कि जायज़ जायज़ रिएक्शन भी हो सकता है यू आर बेसिकली कम्युनिकेटिंग योर योर टू योर चाइल्ड चाहे वो दो साल का है चाहे वो छः साल का है चाहे वो अठारह साल का है आप अपने बच्चे से अपनी आप अपनी बात कर सकते हो और करना जरूरी है बात का मकसद ये कि तरीका कार क्या है खैर अठारह साल तक के तो बच्चे फिर आते नहीं अगर हमने उनको बचपन में ही इतनी झुंझुलाहट और इतना रद्द कर दिया होता है कि वो आ, वो अठारह साल तो बहुत दूर की बात है वो आठ नौ साल की उम्र में ही हमसे बात करना छोड़ देते हैं नहीं करते हैं हमसे बातें हमसे बातें बल्कि छुपाते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारे दो मोड्स हैं या हम लेक्चर देंगे या हम झुंझुला के डांट डांटना शुरू कर देंगे और और कोई हमारा कम्युनिकेशन का मोड नहीं है राइट तो टर्निंग टू वर्ड्स आप अगले बंदे को ध्यान से सुनो एफेक्शन के साथ सुनो कुछ नहीं हो जाएगा अगर हम पाँच मिनट उस बच्चे की बात ध्यान से सुन लेंगे उससे ये होगा बच्चा बिगड़ेगा नहीं उससे ये होगा कि बच्चे को भी आपकी बात ध्यान से सुननी आ जाएगी क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिस करके दिखाया ना कि आप ध्यान से सुन सकते हो अच्छा आगे चलते हैं टर्निंग अगेंस्ट तीन तरह के बेसिकली रिएक्शंस होते हैं एक ध्यान से सुनना अपने आप को प्रेजेंट करना आप उसकी बात सुनना एक दूसरा वाला होता है टर्निंग अगेंस्ट ये भी मैं बात कर चुकी हूँ क्योंकि बात ना सुनना यह कहना कि मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है मैं नहीं सुन सकती अच्छा मैं बड़ा रियलिस्टिक सा आप, आपने दूसरे बच्चों को स्कूल से पिक करने जाना है और आपका जो एक साल या दो साल या तीन साल या चार साल का जो बच्चा जो छोटे बच्चे हैं ठीक है छोटे बच्चे स्पेशली क्योंकि हम वहाँ पर लूज करते हैं वहाँ से हमारी गलत किस्म की तरबियत होती है जो हम अपने आप को भी देते हैं और जो हम अपने बच्चों को भी देते हैं कि गुस्से से झड़क दिया उठा दिया झंझोड़ दिया बच्चे को कहा कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त ये कर नहीं सकती हूँ चीख लिया चिल्ला लिया क्योंकि हम फ्रस्ट्रेटेड हैं राइट हमें लगता है कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है और इंसान की फितरत है कि जब इंसान को ये महसूस हो कि उसके कंट्रोल में कुछ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कैंशियस हो जाता है और फिर इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं हम लोग के चीख लिया चिल्ला लिया चिपेड़ लगा ली झटक दिया धक्का दे दिया मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि हमें ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन हो कि मेरा कंट्रोल है मसला ये है कि एज़ पेरेंट्स हम हम अपना कंट्रोल बहुत गलत वे में शो करते हैं बहुत डिटैच्ड इमोशनली डिटैच्ड वे में शो करते हैं जिससे कि हमारे बच्चे फिर हमसे इमोशनली डिसकनेक्ट हो जाते हैं कंट्रोल शो करना जरूरी है है, बिल्कुल है एज अ पेरेंट हमें हमारी बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है लेकिन क्या करने के बाद अपने बच्चों के इमोशनल बैंक्स फिल करने के बाद वो फिल कब होते हैं वो एज जीरो से लेके एज एट नाइन टेन इलेवन तक फिल होते हैं जो सुन का तरीका है कि शुरू के जो सात साल हैं वो बच्चों को ना झड़को बच्चों को ना डांटो बच्चों से नहायत प्यार शफकत मोहब्बत से पेश आओ और उसके बाद जो कुछ साल हैं उनके एडलसनस उनकी फ्यूबरिटी तक वो उनके साथ उनके साथ रूल्स सेट करो उनके साथ बाउंड्रीज सेट करो और फिर जब वो जवान हो जाए यानि कि जब वो माशा बालग हो जाए बलोगत बालें तो फिर उनके साथ दोस्तों वाला रवैया रखो कहना बहुत आसान है क्या हम ऐसा करते हैं नहीं हम जीरो से लेकर सात आठ नौ दस साल तक के बच्चों के साथ कमांडर इन चीफ वाला ताल्लुक रखते हैं इमोशनल बैंक उनके फुल करते हैं और अपने डिप्लीट कर देते हैं उसके बाद जो जो टाइम हमारा बाउंड्री सेट करने का और जो चीज़ें समझाने का होता है वो अपने कानों में उंगलियाँ देते हैं और मुझे नहीं सुनना मुझे नहीं सुनना करते हैं ठीक है और फिर जो फिर उनका बलूगत का जो टाइम जो वो जवान हो जाते हैं तो फिर तो वो बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं मतलब कि फिर वो कहते हैं कि जी हम अब अपनी मर्जी करेंगे हाँ डांड डपट के हम कुछ बातें अपनी मनवा भी लेते हैं कुछ जनरल बातों की उनको भी हमारी ज़रूरत होती है इसलिए वो मान भी लेते हैं लेकिन देर इज़ नो इमोशनल कनेक्शन देयर एंड दैट इज़ वन ददर्स खामे से मेरा बच्चा या मेरी बच्ची तो मेरी बात ही कोई नहीं सुनता या बहुत चीखते चल हैं या हर वो काम करते हैं जिनसे हम उनको मना करते हैं कहने का मकसद ये है कि आपने पहले व डिज यू वर्ड्स बंदे व डिज यू टर्न अगेंस्ट डिड यू टर्न अवे हम हमें हम से कुछ पेरेंट्स जो है वो एक्चुअली टर्न अवे भी कर लेते हैं कि देखो मेरे पास टाइम नहीं है इस चीज को सॉल्व करने का रो रहा है थोड़ी देर के बाद खुद ही चुप हो जाएगा इट्स ओके okay, आप अपना काम कर लो उसमें हम मैसेज क्या दे रहे हैं अपने बच्चे को कि यू आर विजिबल बट नू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फेयर हर माँ या हर औरत यहां पर यह सवाल जरूर करेगी मेरा इमोशनल बैंक फुल नहीं है मैं कैसे दे सकती हूँ मुझे स्ट्रेस ही बहुत है मैं नहीं कर सकती हूँ आई फील लाइक अ फेलियर एंड आई डोंट फील वर्जी मैं क्या करूँ या मुझे कहाँ से मोहब्बत मिल रही है और छोटे बच्चों के प्यार करना उनका उनका प्यार दिखाना उनकी हमें गले लगाना या उनका हमारे मुंह से मुंह लगा के हमें चूमना ये सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत होती हैं लेकिन बड़ी टम्प्ररी होती हैं हम डाल्स हो चुके होते हैं ना हमारे हमारे इमोशनल टैंक इस तरह से फिल हो नहीं सकते हैं हम कितनी सारी माए मिलियंस ऑफ मदर्स मिलियंस ऑफ मदर्स रिगार्डलेस ऑफ रेस रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन रिगार्डलेस ऑफ़ आप कौन से मुशरे में पले पढ़े हो मेरे ख्याल से हमारी स्टोरीज़ एक ही हैं एक ही हैं अक्रॉस द ग्लोब हमारी स्टोरीज एक ही हैं कि आप वो छोटे आप आप अक्सर माओ को सुनोगे ये कहते हुए कि बस मैं इन्हीं मोमेंट्स के लिए तो जी रही हूँ ये जो मुझसे प्यार से बात कर लेते हैं बच्चे ये जो मुस्कुरा के देख लेते हैं अच्छा चलो बच्चे हमेशा बट छोटे तो नहीं ना रहते फिर बच्चे बड़े भी हो जाते हैं फिर वो मुस्कुरा के भी नहीं देख रहे होते फिर हम क्या करें अच्छा मुझे एक दफ़ा एक अम्मा ने कहा कि आ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ जब ना मेरी बच्ची के जो ग्रेड्स हैं ना वो अच्छे नहीं आते मैंने कहा कि यार इस परेशानी की क्या बात है ग्रेड्स अच्छा नहीं आ रहे कोई बात नहीं किसी ने उससे नहीं पूछना कि आसमा एट ऑफ ट्वेंटी थ्री या ट्वेंटी फोर या थर्टी टू या फोर्टी फाइव जब आप पेरेंट बनोगे जब आप अपने लीडरशिप रोल में होगे पेरेंट इज़ अ लीडर ठीक है पेरेंट इज़ अ लीडर फॉर लाइफ तो तुम्हारा मैथ में फ़लानी ग्रेड में क्या क्या तुम्हारा रिजल्ट आया था चलो मुझे बताओ शाबाश ये किसी ने नहीं पूछना होता लाइफ स्किल्स सिखाना ज़रूरी है इमोशनल स्किल्स सिखाना ज़रूरी है क्योंकि लोगों को बातों से ज़्यादा बात करने का तरीक़ा याद रह जाता है किसी ने मुझसे बात कैसे की थी बात चाहे सही हो या बात चाहे गलत हो ये बा ये मुद्दा सेकंड हो जाता है पहला मुद्दा ये होता है उसका उसका रवैया क्या था उसकी बात का लहजा क्या था हमारी बात के लहजे ही करख्त हैं और हम उसका कसूरवार ठहराते हैं औरों को कि औरों ने हमारा लहजे करख्त कर दिए जिंदगी ने हमें करख्त कर दिया बड़ा हम फलसफाना सा यूज़ करते हैं कि लाइफ हैज़ मेरा सच भी है किसी हद तक इसमें झूठ क्या है लाइफ की तकलीफें मुश्किलें परेशानियाँ हमें परेशान करती हैं परेशान करने के लिए हैं लाइफ परेशान होने के लिए है Because it's a place of test. आसान कुछ भी नहीं है जिन लोगों को आप बहुत खुशहाल परफेक्ट देखते हैं या समझते हैं कभी उनसे पूछे वो रात को शायद नींद की गोलियां खा के सोते हैं शायद उन्हें कभी नींद आती ही नहीं शायद उनको ऐसे फियर्स हैं जिनको वो डिस्कस ही नहीं कर पाते हैं। शायद वो पता नहीं उनको क्या तकलीफ है क्या परेशानी है लेकिन ये फैक्ट है कि दुनिया का कोई इंसान इस वक्त में ऐसा नहीं जो कि किसी न किसी टेस्ट से गुज़र ना रहा हो जो कि किसी न किसी महरूमी से गुजर ना रहा हो तो क्या हम सारे ही चीखें छिल्लाएँ रोएं धोएं इस बात को लेके बैठ जाएं कि जो हमारी महरूमियाँ हैं वो कैसे पूरी हों या फिर हम ये करें कि हिम्मत करें और बोलें कि जो हैं सो हैं हमने आगे अपनी जो आगे हम नस्ल बढ़ा रहे हैं जो बना रहे हैं हमने उन्हें इमोशनली एक्ट ज़रूर करना है रिस्क लिखा गया है किसी ने डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है कंपाउंडर बनना है या चपरासी बनना है ये उसका रिस्क है हम भी अपनी औलाद का रिस्क है एक्चुअली और हमने उन्हें इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग कितना कैपेबल बनाना है उनके साथ इमोशनली किस तरह से कनेक्ट होना है हमारी हमारी पेरेंटिंग का दारोमदार ही इस बात पर है अच्छा अब आ, एक छोटी सी एग्जांपल थी कि हार्श वर्सेस सॉफ्ट स्टार्टअप ठीक है कि जब आप अपने बच्चों से कोई बात करना शुरू करें या अगर आपको कोई शिकायत हो फॉर एग्जांपल उसने टेबल पर ये ग्लास पानी का छोड़ दिया और आपको पता है कि वो अब चली गई है तो आप उसको बुला के किस तरह से कहना पसंद करेंगे आ, बेटा प्लीज़ ये पानी का ग्लास वापस रखा प्लीज़ धो के रख देना ये भी कह सकते हैं पॉजिटिव वे है एक way, आ, मतलब एक काम है आराम से हो सकता है अब उसका रिएक्शन बेसिकली आपका नेक्स्ट आ, उसका रिएक्शन आपका री रिएक्शन होगा क्यों ओके फाइन एक सेकंड के लिए सोचें कि उसने ये रिएक्शन दिया क्यों है क्या वो कुछ और ऐसा काम करने जा रही थी क्या वो भी रश में थी नंबर दो क्या वो इसलिए उसने दिया है क्योंकि उसको नहीं पसंद टोका जाना तो उसको टोका जाना पसंद क्यों नहीं है ऐसा क्या किया है बचपन में हमने ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगैन कि अब हमारी आवाज़ भी ना गवा रहे है हमारे बच्चे को हम टोकते बहुत हैं बहुत ज़्यादा टोकते हैं मतलब मैं कहती हूँ कि अगर हम अपने घरों में अपने लिए वीडियो कैमरा कहीं लगा दें ना और हम देखें कि हम छोटे बच्चों के साथ स्पेशली फ्रॉम द एज ऑफ सिक्स मंथ्स टू द एज ऑफ एट हम बात कैसे करते हैं अपने बच्चों के साथ तो हमें पता चलेगा कि जो उसके बाद की उनकी जिंदगी का सलूक है ना हमारे साथ वो बेसिकली वो उन एट ईयर्स का खमियाजा है जो फिर हम सारी ज़िंदगी भुगतते हैं हाँ कोर्स कंपनी आपने अपने बच्चों को माहौल क्या दिया आपने अपने बच्चों को कंपनी क्या दी है यहाँ पे वेस्ट में रहते हुए ये बात ओवर द यर्स मतलब अब तो रट चुकी हुई है हम लोगों को ये बात कि आपने अपने बच्चों को जो कंपनी दी है बच्चे जो बाहर स्कूल में हैं या जो अपने दोस्तों के साथ हैं अगर आपने अलाउ नहीं किया वो माहौल घर में और आपका माहौल और बाहर का माहौल डिफरेंट है और आप उनको बेसिकली खुद से जानते पूछते हुए ऐसे माहौल में डालते हो तो फिर प्लीज एक्सपेक्ट करो कि फिर जिस माहौल में वो दिन के ज्यादा एक्टिव घंटे गुजार रहे हैं फिर वो वही हैं उसमें उनका कोई कसूर नहीं है वो वही पिक कर रहे हैं वही उनकी लैंग्वेज है वही उनकी, है, उनकी बातें हैं वही उनकी सोच का तरीका है कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चा दस बारह घंटे कहीं के गुजार के आए और उसके बाद वो इफेक्ट ना हो उस पर एंड ओवर द इयर्स प्री के से लेके मतलब कि हम लोग नर्सरी में बच्चों को दो तीन साल की उम्र से डाल देते हैं राइट जो so, मैं वैसे ये होम स्कूलिंग किया करें बट दैट्स नॉट द मैसेज हियर यहाँ से आप शुरू करते हो और अट्ठारह uh, साल तक मतलब बच्चा स्कूल स्कूल जाता है फिर उसके बाद हाई स्कूल कॉलेज वगैरह जाना जाता है राइट कैसे आप कैसे आप कहते हो कि बच्चा जो है ना वो उस तरह का ही हो जैसा कि मैं चाह रही हूँ जबकि आपके घर का जो माहौल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है उस माहौल से जिस माहौल में आप उसको डाल रहे हो खैर बात ये हो रही थी हार्श वर्सेस सॉफ्ट स्टार्टअप तो बिगिन विद समथिंग पॉजिटिव डोंट स्टार्ट लाइक दिस हम कभी भी ये नहीं करते हैं हम क्यों नहीं करते हैं तुम लोग क्यों इस तरह से करते हो हम शुरू में से ऐसे ही करते हैं बल्कि इस तरह से करो देखो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम इस तरह से कर लें क्यों ना हम वीकेंड पे ये प्रोग्राम बना लें अब प्लीज बीच में से ये आपको पता है हमें बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि जवाब आने के वाले हैं लेकिन कोई बात नहीं हौसला रखें हम पेरेंट हैं हम लीडर हैं हमने लीड करना है हम अपने इमोशंस को रेगुलेट करेंगे जवाब नेगेटिव भी आएगा अगर हमें पहले से भी पता है कि जवाब नेगेटिव आएगा हमने नेगेटिव नहीं होना हमने कहना है हमने जवाब का इंतज़ार करना है जवाब जब आ जाएगा तो फिर हमने बड़े आराम से कहना है कि अच्छा जो तुम कह रही हो या जो तुम कह रहे हो मैंने सुन लिया है लेकिन ये ट्राई करके देखते हैं तब तक बच्चे को भी समझ आता है इसका मतलब है कि मेरी माँ जो है वो बाज नहीं आने वाली उसने तहैया कर लिया हुआ अच्छा मज़े की बात है कि बच्चे को पता होता है कि माँ ने तहैया कर लिया हुआ इनको पत इन्होंने वही करना है जो इन्होंने करना है सिर्फ बात तरीके से करने से आ, ये होता है कि ख़ाम खा की बदमजगी पैदा नहीं होती एक्सप्रेस अप्रीशिएशन एंड ग्रैटिट्यूड अच्छा मैंने ए, एक और आ, जो बुक सीरीज़ मैंने किया था उसमें अनकंडीशनल पेरेंटिंग में मैंने ये बात ज़रूर की थी कि आ, हम अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा अप्रिसिएशन दे के बिगाड़ भी देते हैं यानी कि फिर बात उनका कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होता वो काम करने का वो सिर्फ़ इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनको शाबाशी मिलेगी या चूँकि उनको प्रेज़ किया जाएगा यहाँ पर ये बात नहीं हो रही यहाँ पर ये यह हो रही है कि जैसे कि फ़ॉर एक्ज़ाम्पल अगर बच्चे को पता है कि आप बाहर से आए और उसने ख़ुद से आपको पानी ला के दे दिया जजाकला खैर बस इतना ही काफ़ी है तुमने मुझे पानी ला के दिया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इतना लम्बा जुमला कहने की जरूरत ही नहीं है मोर मोर थैंक यू तुमने मेरे लिए ये किया तुम कितने अच्छे हो स्पेशली हम छोटे बच्चों को इस तरह से ज्यादा लंबा जुमला बोलते हैं नहीं बोलना चाहिए स्टार्ट विद दी आई इंस्टर ऑफ़ यू ये तो ओवर एंड ओवर अगेन आप अपने स्पाउस के साथ भी कॉन्वर्जेसन कर रहे हो या उनके साथ भी किसी किस्म की कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टानवर्जेसन हो रही है तो ये बार बार आता है कि तुम मुझे कॉल कर लेती तुम मुझे कॉल कर, लेत, कर लेते आप मुझे कॉल कर लेते हैं आप आप मुझे बता देते मुझे नहीं पता था आप मुझे बता देते ना आपने क्यों नहीं बताया इस तरह से हम बात करते हैं ना अपने तो बच्चों के साथ भी बात करते हैं अपने स्पाउस के साथ भी बात करते हैं तो इंस्टर आप ये बता सकते हो कि मेरे जहन में नहीं रहा मुझे नहीं था या मेरे जहन से ये बात स्लिप हो गई या मेरा ध्यान नहीं रहा Um, इस वजह से ये नहीं हो सका ठीक मेरा करके अगर बात करोगे तो अगला सुन भी लेगा एज ए छोटे से छोटे बच्चे को भी नहीं पसंद होता ये हमारी ह्यूमन नेचर है उन हमें नहीं पसंद होता कि हमें उंगलियां दी जाए और हमें यूं करके हमसे बात की जाए नहीं करना चाहिए हमें खुद भी नहीं पसंद होता अच्छा और फिर अपनी तमाम शिकायत को स्टॉक पाइल ना करना है अच्छा आपने आपने कई दफ़ा ये लतीफ़ा सुना होगा कि मर्ज हजरात को अपनी बेगमास से ये आ, शिकायत होती है कि तुम्हें तो पिछले पंद्रह साल की जितनी जितनी मेरी ख़राबियाँ बुराइयाँ हैं ना तुम्हें सारी उस वक्त पर याद आ जाती हैं जब तुमने मुझसे लड़ाई करनी होती हैं राइट तुम्हें मेरी मेरी सारी शिकायतें तुमने पिंडारे में बिठाई होती हैं बात कहाँ की हो रही है लेकिन सन उन्नीस सौ फलाने में तो आपने मुझे ये कहा था या हम लोग इमोशनली हम इतने बैंक होते हैं और इतने स्टॉक पाइल्ड होते हैं कि वी जस्ट बास्ट वेदर इट्स आर हजबेंड्स वेदर इट्स आर चिल्ड्रेन और वेदर इट्स एनी बडी एल्स आफ वी डोंट ठीक है क्योंकि जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनको माफ कर देना कितना आसान होता है मेरा सवाल हमेशा से ये है जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनको माफ कर देना आसान होता है ये बात कितनी झूठ है क्योंकि सबसे ज्यादा मोहब्बत तो फिर हमें अपने घर वालों से होनी चाहिए पर सबसे ज्यादा शिकायतें हमें उन्हीं से होती हैं तो फिर हम माफ किन को कर रहे हैं अपने बच्चों को उनकी गलतियों पे माफ़ नहीं करते हैं हम अपने हस्बैंड्स को उनकी गलतियों पे माफ़ नहीं करते हम अपने आ, ऐसे रिश्तेदारों को जो हम जो हमें पसंद नहीं है हम उनको उनकी बातों पे कभी माफ़ नहीं करते लेके बैठे रहते हैं आ, तो हम माफ़ किसको करते हैं फिर हैं टिप्स ऑफ गुड कंप्लेनिंग अच्छा एज अ पेरेंट हमें हमें कंप्लेन होती हैं अपने बच्चों से बिल्कुल होती हैं हमें कंप्लेन्स अपने बच्चों से लेकिन कंप्लेन हमने अपने बच्चों से करनी कैसे हैं स्टेट योर नीड्स विदाउट अटैकिंग और ब्लेमिंग दी अदर पर्सन फॉर एग्जाम्पल द मैटर विद यू क्या मसला है तुम्हारे साथ तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है मेरी बात कितनी दफा मैंने तुम्हें ये बात समझाई है यो, खुदाया तुम कौन सी मिट्टी के बने हो तुम्हें समझ क्यों नहीं आता इस तरह से जुमला शुरू करेंगे तो क्या बच्चा हमारी बात सुनेगा दो चीज़ें होंगी बच्चा डर जाएगा सहम जाएगा क्योंकि हम उस तरह के पेरेंट्स हैं जो चीख चिल्ला के बात करते हैं तो उसके कान उसका उसका फोकस ही फ्लाइट मोड में चला गया ये बात मैंने शायद पहले भी किसी क्लास में की हुई है कि हमारा इमोशनल ब्रेन ये है और हमारा लॉजिकल ब्रेन ये है राइट जो तो छोटे बच्चे होते हैं ना जब वो इमोशनली किसी बात पे ट्रिगर होते हैं तो उनका लॉजिक क्यों चला गया होता है एक्चुअली बड़ों का भी लॉजिक चला जाता है लेकिन बड़ों को चूंकि इतने सालों में प्रैक्टिस हो जाती है तो वो वापस लॉजिकल ब्रेन को लाने की कोशिश करते हैं छोटे बच्चे नहीं ला सकते हैं तो उनका इमोशनल ब्रेन एक्टिव होता है तो जब वो रो रहे होते हैं चीख रहे होते हैं फंस कर रहे होते हैं अव्वल तो उस स्टेज पर आने से पहले बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं जिनको हम नहीं समझ रहे या जिनको हम उनको इमोशनली रिस्पोंड नहीं सही से कर रहे जिसकी वजह से ये वाली स्टेज आई कि बच्चा ने एकदम से रोना धोना चीखना चिल्लाना किकिंग बाइटिंग शाउटिंग सारा कुछ शुरू कर दिया ठीक है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं हम उनको नहीं डिस्कस करेंगे लेकिन एज एज अडल्ट एज जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी अगर हमने बात इस तरह से शुरू की कि तुम्हें तो मेरी बात की समझ क्यों नहीं आ रही तो इमोशनल ब्रेन इज़ रनिंग फॉर फ्राइट एंड फ्लाइट मोड फाइट एंड फ्लाइट मोड का मतलब यह है कि बस अब मुझे अपने आप को बचाना है मैं किसी तरह से अपने आप को बचा लूँ जैसे मैं झूठ बोल के बचा लूँ या मैं खामोश रह के बचा लूँ या मैं यहाँ से यहाँ से हट जाऊँ मतलब uh, किसी भी तरह से राइट right? तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी लेकिन अगर आप वो वो लेकिन अगर चीज जरूरी है आपके लिए और आप वो बात समझाना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था और आपने अपने बच्चे को संभालने के लिए कहा था और आपने उसको कहा था कि भाई ये डॉक्यूमेंट संभालना और आपको पता है कि आपका बच्चा जो है वो लाभ वाली सा है थोड़ा सा केयरलेस है और सारे बच्चे एक एज पर होते हैं ये एक उनकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है कि सारी दुनिया के बच्चे को सर्टन स्टेजे और सर्टन एजेस में कुछ कैपैसिटीज कैपेबिलिटीज नहीं रखते एज अ पेरेंट ये हमारा काम है कि हमें पता हो कि वो कौन सी एजेस और स्टेजेस हैं हम नहीं समझते इस बात को हम समझते हैं कि अगर उनके कद काठ लंबे हो रहे हैं और अगर उनकी आवाज़ें चेंज हो रही हैं और अगर उनके हम फिजिकल चेंजेस अपेयरेंसेस देख रहे हैं तो बस जी वो जवान हो गए ब्रेन ट्वेंटी वन ईयर्स तक डिवेलप हो रहा है इमोशनल नीड्स उनकी पूरी की हैं हमने कि नहीं की हैं हमने उनको अखलाकियात में सिखाया क्या है अदब के नाम पे हमने उनको कितना इमोशनली अब्यूज किया हुआ है हम एज पेरेंट्स अदब के नाम पे अपने बच्चों को बहुत इमोशनली अब्यूज करते हैं क्या हम इस बात को जानते हैं क्या हम इस बात को मानते हैं और अगर हम जान भी गए और मान भी गए तो फिर हमने किया क्या सोचने की बात तो इंस्टर के तुम्हारे साथ मसला क्या है तुम्हें तो बात क्यों नहीं समझ आती आप यह भी कह सकते हो कि बेटा मैं ने आपको ये बात समझाई थी पहले कि प्लीज़ ध्यान रखना अब आपसे वो गुम गया है अब कर तो कुछ नहीं सकते हैं लेकिन चलो आइंदा के लिए प्लीज़ ध्यान रखना क्योंकि मेरी बात सुने चीज़ें बन जाती हैं मिल जाती हैं थोड़ा सा मुश्किल दिक्कत ज़रूर होती होगी लेकिन काम सारे चलते रहते हैं पर वो जो एक इमोशनल ब्रेक आ जाता है ना आपके और आपके बच्चे की रिलेशनशिप में वो जो एक दरार पड़ जाती है और वो जो उसकी सेल्फ इस्टीम में एक दरार पड़ जाती है वो फिर एक लाइफ लॉन्ग मसला है फिर वो एक विशेष साइकिल है ठीक है फिर डिस्क्राइब योर साइन एज अ परसैप्शन नॉट एन एब्सोल्यूट ट्रूथ तुम तो कभी मेरी बात नहीं सुनते क्या वाकई में कोई बच्चा दुनिया में कभी आपकी बात नहीं सुनता या मेरी बात नहीं सुनता ऐसा कभी भी नहीं होता तो हम एप्सोल्यूट ट्रूथ की तरह बात ना करें उनसे एप्सोल्यूट ट्रूथ की तरह शिकायत ना करें बल्कि कहें कि आपने मेरी बात इग्नोर कर दी मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी इस तरह से भी तो बात हो सकती है ना फोकस ऑन द द स्पेसिफिक बिहेवियर नॉट ग्लोबल ग्लोबल जजमेंट्स जजमेंट्स की वही बात है कि तुमने तो कभी यह सुनना ही नहीं है तुमने तो कभी करना ही नहीं है तुम्हें तो कभी पता ही नहीं है तुम्हें तो कभी समझ ही नहीं आएगी तुम तो पता नहीं ऐसे तो तुम तो पता नहीं वैसे ये सारी बातें करने से बेहतर है कि उस प्रॉब्लम मसले पे डिस्कस करें न कि बच्चे को कैरेक्टराइजेशन बच्चे की मतलब कि उसके पूरे के पूरे किरदार को ही मतलब कि आप चीर फाड़ के रख दो अपनी बातों में इमोशनल कनेक्शन कैसे होगा नहीं हो सकता नहीं हो सकता नहीं हो सकता व्हेन इमोशंस राइड अस का मतलब ही ये था कि हम करते क्या हैं अपने साथ अपने बच्चों के साथ जब हम इमोशनली स्मार्ट इंटेलिजेंट नहीं होते जब हम अपने मुँह से निकलने वाले अल्फाज के बारे में दो सेकंड सोच नहीं लेते हैं कि करने क्या लगे हो हासिल क्या होगा फाइंड द वाय टू योर आई आप क्यों कर रही हो जो आप कर रही हो ये आपको पता होना चाहिए ठीक है अब बोलो आपको इन शू उसके बाद एक छोटी सी उन्होंने बेसिकली यहाँ पे चीजें बताई हुई हैं कि आपको अपने बच्चों के साथ करने की क्या जरूरत है कौन सी बातें करनी चाहिए कौन सी बातें जो हैं उनके साथ उन्होंने लिस्ट दी हुई है लिस्ट दी हुई है पे अटेंशन टू व्हाट योर चाइल्ड इज डूइंग पे अटेंशन टू वट योर चाइल्ड इज अटेंडिंग एक्टिविटीज़ में पे अटेंशन मतलब कि बेसिकली आपका बच्चा टी वी क्या देख रहा है आपका बच्चा सुन क्या रहा है आपका बच्चा पढ़ क्या रहा है आपका बच्चा खेल क्या रहा है अब माएँ कहेंगे हम तो हर वक्त ये करती रहती हैं इसमें इसमें कौन सी नहीं बात है ये कौन सी हमें नहीं बात है हमारा तो हम और गम ही है कि उसके मार्क्स क्यों नहीं अच्छा आ रहे वो बैठ के पढ़े <laughs> ये बात नहीं मैं कह रही हूँ मैं कह रही, रही हूँ उसके शौक़ क्या हैं उसका रुझान किस तरफ है अच्छा बाज़ अवकात मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ कि बाजात एज पेरेंट्स बचपन में हम अपने लाड प्यार में अपने बच्चों के दिलों में कुछ ऐसी चीजों का हुब डाल देते हैं और हम खुद डालते हैं शौक में कि कितना क्यूट लग रहा है कितनी क्यूट लग रही है इसे ये भी लेके दे दिया वो भी लेके दे दिया उसको बच्चे को पैदा होते साथ तो नहीं पता अच्छा ये भी हमको गलत बयानी करते कि बच्चों को तो पैदा होते साथ ही सेलफोन का भी पता है स्क्रीन का भी पता है और कार्टून का भी पता है और डांस का भी पता है और म्यूजिक का भी पता है और फलाना भी पता है फला और बदतमीज़ियों का भी बच्चों को पैदा होते साथ ही पता है बच्चों को हम वो माहौल देते हैं पहले हम उन्हें खुद ख़राब करते हैं ये कितना क्यूट है ये कितनी क्यूट है बदतमीज़ी करने पे हम ख़ुद उनको उकसाते हैं हमें उनका मज़ा आता है उनसे उनसे बदतमीजी करवाने में और फिर जब वो उनकी सेकंड नेचर बन जाती है तो फिर हम शिकायत करते हैं कि बच्चे की तरबियत क्या किया ये तो है ही बदतमीज़ बच्चे को इस जुनून तक शौक़ है म्यूज़िक uh, का मैं म्यूज़िक सब क्योंकि बहुत इजी एग्जांपल है म्यूज़िक ठीक है मैं कोई जजमेंट नहीं है कि ये हराम है ये हलाल है मैं ये बात नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ एक सिम्पल सी एग्जांपल कर कि म्यूज़िक का होप बच्चे के दिल में उसने बचपन से कानों से सुना जो है देखा जो है माहौल जो है वही चीज़ का होप पालेगा ना बच्चों को सर्टन कैरेक्टर कार्टून कैरेक्टर्स का जुनून हो जाता है उसके बगैर वो उसको उसके टॉयज़ उसके स्टफ़ टॉयज़ उसकी गेम्स वो ले ले कर हर जगह घिरते रहते हैं फिर सोते रहते हैं फिर जागते रहते हैं फिर हर वक्त उसी दुनिया में रहते हैं और हम एज पेरेंट्स जिन्होंने ख़ुद उनको बेसिकली वो माहौल दिया होता तो है उसके बाद हम ख़ुद चढ़ना शुरू हो जाते हैं और हम कहते हैं छोड़ भी दो तो इसको फिर हम उनको डांटना शुरू कर देते हैं फिर हम उनको उन चीज़ों से दूर करना शुरू कर देते हैं नहीं हो सकता एक्टिवली हर बात को सोचें इमोशनली अपने आप को एक्ट करें कि आप कुछ भी जो डिसीजन अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं चाहे वो क्यूट है चाहे वो नहीं क्यूट है दैट्स नॉट द पॉइंट क्यूटनेस बिल्कुल थोड़े अरसे के लिए रहती है उसके बाद हम उसको खुद ही अपने लिए वबाले जान बना लेते हैं क्योंकि हम खुद तंग आ जाते हैं हमारा बच्चा नहीं तंग आ रहा है क्योंकि वो लर्निंग स्टेजेस में है लेकिन हम तंग आ गए हैं क्योंकि हमारे लिए हर चीज़ बोरिंग हो गई है राइट तो प्लीज़ ये देखें इस बात को सोचें कि आप अपने बच्चों को किस चीज़ में डाल रहे हो खुद से हम डाल रहे होते हैं पर हम क्या उनको सिखा क्या रहे हैं फ्रीज पॉजिटिव बिहेवियर जाहिर सी बात है शो अफेक्शन बाई टचिंग योर चाइल जेंटली टच की एक हीलिंग पावर है अच्छा फिर आप कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको टच बिल्कुल पसंद नहीं होता सो so, आपको अब पता है कि भाई आपके बच्चे को टच पसंद है कि नहीं पसंद है और आपका टच कितना पसंद है ये आप जानते हो यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन सो इफ इफ योर छाइल का चायल्स जिसको अफेक्शन में हक um, करना प्यार करना किस करना पास बिठाना पसंद है तो उसको ज्यादा से ज्यादा किया करें और जिसको नहीं पसंद है प्लीज उसको फोर्स मत करें और अपने अलावा बच्चे को किसी के साथ करीब होने के लिए कभी भी मत कहें प्लीज़ खुदारा हमने बहुत केसेस देख लिए और सुन लिए और हम जानते हैं हम खुद अपने कुछ चीज़ों पे पर्दे डालते हैं लेकिन अ डिफरेंट अच्छा पे अटेंशन टू योर चाइल्ड्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स शो इंटरेस्ट बाय आस्किंग योर चाइल्स क्वेश्चन टेक इंटरेस्ट इन योर चाइल्स फ्रेंड्स प्लीज फ्रेंड्स में बहुत ध्यान दिया करें बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों के फ्रेंड्स पे ध्यान दें ये नहीं कि उसने देखो कितना अच्छा किया था और तुमने देखो कैसा किया और तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा लिख रहा है या लिख रही है और तुम कैसे लिख रहे हो ये वाली ये नहीं बातें क्या करते हैं आपस में कॉन्वर्जेसन क्या करते हैं ऑब्जर्व करें उनके घर में क्या देखा जाता है क्या सुना जाता है क्या पढ़ा जाता है जानने की कोशिश करें ये बहुत 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 ज़रूरी है आई जस्ट कैन ऑन इट लाइक फुट अ बहुत ऑन एट लाइक इट्स सो नेसेसरी अपोलोजाइज वन यू आर रॉन्ग जब हमसे गलती होती है तो अपोलोजाइज करें बच्चों को आ, uh, मामा ने आप स्नैप कर दिया या मामा um, का नहीं था ध्यान या मामा भूल गए आई एम सॉरी आई एम सॉरी कहने में कोई हर्ज नहीं अनटिल यू डोंट डू इट राइट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंतहा थके हुए हो और बच्चे शोर कर रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं तो हमारा इंस्टेंट रिएक्शन तो चुप कर जाओ राइट right? निकल गया भाई हो गया निकल गया मुंह से कर दिया आपने थोड़ी देर बाद जब आप काम डाउन होते तो आप कह सकते हो कि यार मैं मैं बहुत परेशान थी या थकी हुई थी या मेरे सर में शदीद दर्द था मैं आपको हल्का हल्का कह भी रही थी कि ना करो आप लोग सुन नहीं रहे थे

राइट right? और हमें वो सब जानने की सब जानने की जरूरत इन कि हम उनका जीना आराम करते हैं तुम उठे के हो, तुम बैठे के हो, तुम क्या, तुम खाए पिए वो नहीं लेकिन ऑब्जर्व करते रहे अपने बच्चों को आई थिंक ये जो उन्होंने सारी बातें की हुई है ना ये हम सारी माए करती हैं कि आप अपने बच्चों में लगन रहे हैं। जाहिर मानते बच्चों को इंडिपेंडेंस चाहिए पावर चाहिए वो चाहते हैं कि वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट करें ख़ुद से करने की कोशिश करें uh, ये अगेन आपके पेरेंटिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पेरेंट हो सब कुछ मेरी मुट्ठी में होना चाहिए वाली ख़ातून है अगर आप तो फिर तो जिंदगी आपके लिए भी अजीरन है और उनके लिए भी अजीरन है लेकिन अगर आप एक्सप्लोर फाइंड आउट लर्न डिस्कवर लाइफ इज़ एन एडवेंचर काइंड ऑफ पेरेंट है तो फिर या देन यू कैन रिलैक्स देन यू हैव दैट टाइम वेर यू कैन रिलैक्स वेर यू कैन इमोशनली कनेक्ट वेर यू कैन सिट बैक एंड लाफ एंड लाफ के मतलब गलती हो गई है कोई नुकसान हो गया है चलो कोई बात नहीं अलहमद इट्स ओके इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं राइट right? आपकी फैमिली की इमोशनल फिलासफी क्या है कोचिंग है डिसमिसिंग है डिसअप्रूविंग है मतलब कि बात करते हैं आपस में एक दूसरे को सलाह मशवरा देते हैं डिसमिसिंग है मत करो बस चुप कर जाओ मत करो मत करो मत करो ना करो खामोश हो जाओ ये वाली है डिसअप्रूविंग है तुमने ये भी अच्छा नहीं किया तुमने ये भी अच्छा नहीं किया फैमिली का ना एक इमोशनल फलासफी होती है उस फिलोसफी को चेक करें कि है कि आपने घर में किस तरह का इमोशनल माहौल रखा हुआ है और आखिर में ये है कि आम, रिचुअल्स आपकी फ़ैमिली का कल्चर क्या है आपकी फैमिली की रिचुअल्स क्या हैं आप लोग रोज़मर्रा के दिन में आपकी जब मैंने पहली बात की थी ना मैंने पहली बात ये की थी कि फाइंड आउट कि एज अ पेरेंट आप पेरेंट बने क्यों हूँ आपकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं आपके विजन्स क्या हैं अगर आपको वो सारी बातें पता वो आपके और आपके स्पाउस के एक ही हैं या ऑलमोस्ट एक हैं तो फिर आपके घर का कल्चर और माहौल भी तकरीबन एक तरह का होगा Question so I'm extremely sorry that I cannot answer to anything. I would have really appreciated if this uh, a two-way conversation. होती. But Alhamdulillah, I hope um, this was beneficial at some point, at some level. If um, you comments with any questions or anything, when I read it later, I'll be able to respond to it. JazakAllah uh, khair to um, the group admin, to um, Fatima for giving me this opportunity. Inshallah, next month we will week on a different topic. Um, JazakAllah khair. As-salamu warahmatullahi wabarakatuh.